वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टेक्सटाइल प्रिंटिंग के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अध्ययन करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, स्विमिंग टब का प्रयोग किस मेथड की प्रिंटिंग में होता है? तो पहला है ब्लॉक प्रिंटिंग, स्टेंसिल प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, रोलर प्रिंटिंग। तो स्विमिंग टब का प्रयोग है ब्लॉक प्रिंटिंग में कहते हैं। स्विमिंग टब में क्या होता है कि पहला जो लेयर होती है वो वुलन की होती है, वुलन की होती है, उसके नीचे रेक्सिन लगा होता है, रेक्सिन या रबर लगा होता है उतनी ही लंबाई का, और पूरे को हम लोग स्विमिंग टब बोलते हैं। ठीक है, पूरे को स्विमिंग टब कहते हैं। इससे इसी में ब्लॉक को डिप करते हैं, मतलब इसी के ऊपर रख करके इंक एब्जॉर्ब करते हैं, फिर फैब्रिक के ऊपर प्रिंट करते हैं, इसी को स्विमिंग टब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेंसिल प्रिंटिंग को किस नाम से जानते हैं? स्टेंसिल प्रिंटिंग को और किस नाम से जानते हैं? पहला ऑप्शन है ब्लॉक, दूसरा स्प्रे, तीसरा ट्रांसफर, चौथा रोलर। तो इसको स्प्रे नाम से जानते हैं, इसको स्प्रे प्रिंटिंग। स्टेंसिल में क्या होता है, एक सीट होती है, कार्टेज सीट हो या फिर पेपर की हो या फिर कोई मेटल्स की सीटें होती हैं, उसमें डिजाइन कट की जाती हैं। मान लीजिए ये डिजाइन कट हुई है, ठीक है, इसके ऊपर हम स्प्रे के माध्यम से प्रिंट कर लेते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, स्टेंसिल प्रिंटिंग से किस मेथड की प्रिंटिंग का निर्माण होता है? मतलब स्टेंसिल प्रिंटिंग से दूसरी प्रिंटिंग कौन सी बनी है उसी से रिलेट होकर के, स्क्रीन प्रिंटिंग, ट्रांसफर प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग, रोलर प्रिंटिंग। तो स्टेंसिल प्रिंटिंग से का डेवलप रूप अगर कहा जाए स्क्रीन प्रिंटिंग है, वहीं से आई है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या करते हैं स्टेंसिल में, या फिर जैसे ये है स्टेंसिल, इसमें अगर कोई डिजाइन कट किए हैं, इसको स्पंज के माध्यम से कलर लगाते थे या तो स्प्रे के माध्यम से लगाते थे, तो स्प्रे वाले जो स्पंज से लगाते थे उसी का अब काम यहाँ पे स्क्रीन में स्क्वीजी करता है। स्क्वीजी आपका टी शेप में होता है, ठीक है, टी शेप में होता है, स्क्वीजी के माध्यम से यहाँ पर हम स्क्वीज करते हैं पेस्ट को। ठीक है, तो इसी का परिवर्तित रूप है। स्क्वीजी का प्रयोग किस मेथड की प्रिंटिंग में होता है? स्क्रीन प्रिंटिंग, ट्रांसफर प्रिंटिंग, रोलर प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग। तो स्क्वीजी का प्रयोग हम स्क्रीन प्रिंटिंग में करते हैं, स्क्वीजी का प्रयोग हम लोग स्क्रीन प्रिंटिंग में करते हैं। ये स्क्रीन है, इसके ऊपर कोई भी डिजाइन बनी होती है, यहाँ पर पेस्ट रख दिया जाता है, पेस्ट रखने के बाद यहाँ पर स्क्वीजी के माध्यम से, ये स्क्वीजी होती है, इसको खींचा जाता है तो जो पेस्ट होता है वो उधर चला जाता है और डिजाइन बन जाती है। ठीक है, डिजाइन फाइबर से नीचे चली जाती है। तो स्क्रीन किसका बनता है? स्क्रीन जो बनाई जाती है फ्रेम में वो आपका क्या नाम है, सिल्क, पॉलिस्टर और या फिर नायलॉन का बनता है। जो स्क्रीन फैब्रिक में फ्रेम में फैब्रिक लगा होता है वो आपका सिल्क, नायलॉन या पॉलिस्टर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंट डॉक्टर का प्रयोग किस मेथड की प्रिंटिंग में होता है? रोलर प्रिंटिंग, ट्रांसफर प्रिंटिंग, स्प्रे प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग। लिंट डॉक्टर का प्रयोग रोलर प्रिंटिंग में होता है। ठीक है, एक रोलर होता है, इसके यहाँ पे कलर पेस्ट लगा होता है, यहीं पे लिंट डॉक्टर लगा होता है। ठीक, तो यहाँ पे रोलर प्रिंटिंग में लिंट डॉक्टर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 180 से 220 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किस मेथड की प्रिंटिंग में होती है? तो 180 से पहला है रोलर प्रिंटिंग, ट्रांसफर प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग। तो इसका सही आंसर है ट्रांसफर प्रिंटिंग में, इसमें पॉलिस्टर फैब्रिक पे करते हैं, पॉलिस्टर फैब्रिक पे हम लोग ट्रांसफर प्रिंटिंग करते हैं। ये ऐसी मेथड ऑफ प्रिंटिंग है जिसमें हमें आफ्टर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये टेम्परेचर पर हो रही है। आफ्टर ट्रीटमेंट में आपके तीन पाँच ऑपरेशन आते हैं, स्टीमिंग के बाद एजिंग, क्यूरिंग, सोपिंग और वाशिंग, पांच ऑपरेशन होते हैं। इसमें क्या होता है, कलर फिक्स किया जाता है और अनफिक्स कलर को हटा दिया जाता है। ठीक है, यही ऐसी ऑपरेशन है जिसमें प्रिंटिंग के दौरान ही कलर आपका फिक्स कर लिया जाता है, प्रिंटिंग के ही दौरान ही कलर आपका फिक्स कर लिया जाता है, और इसे कैलेंडरिंग ऑपरेशन भी कहते हैं, इसे ट्रांसफर प्रिंटिंग को कैलेंडरिंग ऑपरेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं,
कैलेंडरिंग ऑपरेशन का प्रोसेस किस मेथड की प्रिंटिंग में होता है? ब्लॉक प्रिंटिंग, रोलर प्रिंटिंग, ट्रांसफर प्रिंटिंग और नन ऑफ दीज। तो ब्लॉक प्रिंटिंग का कैलेंडरिंग ऑपरेशन किस में होता है? ट्रांसफर प्रिंटिंग में होता है। ट्रांसफर प्रिंटिंग किस में होती है? ट्रांसफर पेपर होता है, उस पर डिजाइन बना लेते हैं, ठीक है। एक ट्रांसफ़र पेपर होता है, उस पर हम डिज़ाइन बना लेते हैं। एक हार्ड रोलर होता है, एक ट्रांसफ़र पेपर होता है, उस पर डिज़ाइन बनाते हैं और इसी के ऊपर एक वुलन की बेल्ट घूमती रहती है और यहाँ से आपका ब्लीच फैब्रिक, उसके बाद ट्रांसफ़र पेपर, एक सपोर्टिंग पेपर, ऐसे पास होते हैं, ठीक है। पास होने के बाद ट्रांसफ़र पेपर अलग कर लेते हैं और फैब्रिक अलग कर लेते हैं, ग्रे फैब्रिक भी अलग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजिंग प्रोसेस में कितना समय लगता है? 1 से 6 दिन, 2 से 8 दिन, 5 से 10 दिन, 10 से 15 दिन। तो एजिंग प्रोसेस में भी स्टीमिंग, क्यूरिंग, एजिंग, स्टीमिंग, क्यूरिंग, एजिंग, ये सभी ऑपरेशन में डाई को फिक्स किया जाता है, डाई को फिक्स किया जाता है। सब में टेम्परेचर का थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो इसमें एजिंग का जो ऑपरेशन कितने दिन का होता है? 1 से 6 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैपिड एजर का टेम्परेचर कितना होता है? 100 से 120, 150 से 160, 120 से 130, 150, 130 से 160। तो रैपिड एजर का जो टेम्परेचर होता है वो आपका 100 से 120 होता है, ठीक है। एजिंग में ही एक रैपिड एजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूरिंग का टेम्परेचर होता है 120 से 140 डिग्री, 140 से 150, 123 से 160, 125 से 160। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिएगा, क्यूरिंग का टेम्परेचर कितना होता है। क्यूरिंग जो होती है पिगमेंट की कहते हैं, ये आपको बता दें, क्यूरिंग जो है पिगमेंट की करते हैं, जो पिगमेंट से प्रिंट किया जाता है फैब्रिक, उसकी हम लोग क्यूरिंग कहते हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।